गांधी पार्क का व्यू है। देखो शाम का टाइम कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं यार। मेरे चैनल का मिस्टर संतोष ब्लॉग। हाँ, थोड़ा ट्राई करेगा जा। ये भाई YouTube फैमिली, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो शाम का टाइम फिलहाल अभी 4 बज रहा है। हम लोग अभी आए हैं महात्मा गांधी पार्क घूमने के लिए। आज शनिवार शाम को रेस्ट होता है हम लोग का, तो सुबह तो वर्कआउट हो गया था मेरा जो कि लॉन्ग डिस्टेंस था, तो इसलिए शाम को थोड़ा घूमने के लिए आए हैं इस पार्क में। और अच्छा नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, मस्त लग रहा है थोड़ा इधर। और इस पार्क ना सुबह 9 बजे से खुलता है, सुबह 5 बजे खुलता है, शाम को 9 बजे बंद होता है। और इधर ना महात्मा गांधी का स्टैचू है बड़ा वाला। तो मैं आया था इधर 2017 या 18 में आया था देखने के लिए, उस टाइम में उधर ही फोटो उठाया था। आज देख रहा हूँ जाके, ठीक है। तो महात्मा गांधी का स्टैचू भी मैं आपको दिखाता हूँ, कितना मस्त है यार। जगह तो पूरा मस्त है ये पार्क का, और फुल नेचर जगह है। इतना पेड़ लगा हुआ है भाई, फूल का पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा फूल का पेड़ है देखो। और उस साइड ना छोटे छोटे बच्चे लोग का और जो खिलौना होता है ना खेलने के वाला झूला, और जिम फिम वगैरह करते हैं सुबह का एक्सरसाइज, उस साइड है तो देख सकते हो उधर। और ये भाई कौन सा पेड़ है, कोई बता सकता है ये वाला कौन सा पेड़ है? मेरे चैनल का मिस्टर संतोष ब्लॉग। भाई को चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। भाई मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इधर ना सुबह सुबह रनिंग करते हैं कुछ बच्चे, पुलिस आर्मी वालों ने ट्रायल देने के लिए। अच्छा बात क्या है कि इस पार्क में ना बहुत सारे फूल लगा हुआ है और वैरायटी टाइप का, ठीक है। तो फूल मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये कौन सा फूल है भाई बताना यार। गुलाब फूल तो नहीं है, मेरे को लग रहा है छोटा गुलाब फूल है। कितने सारे लगा हुआ है भाई। श्री कृष्ण भगवान, चप्पल उतार देते हैं थोड़ा। जय जगन्नाथ। लाइट भी पड़ रहा है फिलहाल और रात का टाइम अच्छा व्यू लगेगा। भगवान जी इस साइड आपको दिखाता हूँ कितना बच्चे खेल रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे। गांधी पार्क का व्यू है, देखो शाम का टाइम कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं यार। और शाम का टाइम देखो कितना भीड़ है छोटे बच्चे का। देखो उनका मम्मी पापा ने लेके आते हैं इधर। आओ भाई मस्त है यार, देख सकते हो। इधर भी एक छोटा सा, ये वाला में मैं भी खेलूंगा, इसमें भी खेलूंगा, इसमें भी। शायद अलाव नहीं है, मना करेंगे। इधर लिखा हुआ है चिल्ड्रेन प्लेइंग एरिया 12 ईयर। भाई हम लोग तो नहीं खेल सकते हैं, मतलब बड़े लोग का उस साइड जिम है, एक्सरसाइज करते हैं वगैरह, जो आंटी की देखो करते हैं उधर। अरे 20 साल तक कर देते तो अच्छा रहता है, इतना नहीं खेल सकता हूँ। देखो छोटा बच्चा खेल रहा है, चला आपको आजा भाई। गिरेगा रे, उल्टा जा रहा है लेकिन ये भाई, रे 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 रे। अरे भाई पत्थर है उधर, लग जाएगा चोट किसी में। नेक्स्ट लेवल ही क्या है इसमें, शायद हम लोग कर सकते हैं। देखो मस्त बना है लेकिन, वाह करेंगे क्या इसमें? इसमें तो कर सकते हैं, ये तो लोहे का है। इधर देखो
मस्त बस मुटा बुले दौ चल चल ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे मारे नजरिया सावरिया रे मारे नजरिया भाई नेक्स्ट लेवल का है। ओ ओपी ओ ओ ओ भाई देख कर यार अबे गिरो पकड़ा नहीं जादूगर अब ना इसको करने से ना जिस भाई लोग का शौक है जिसे ज्यादा वेट है इसको करने से कम 10 मिनट या 5 मिनट आपका वेट कम सकता है संभावना है वेट कमने के लिए ठीक है मस्त एक्सरसाइज है और मतलब पेट कमाने के लिए ठीक है और नया नया चीज ये तो भाई चिकनी है आगे से थोड़ा आगे और इधर हम लोग उठाएंगे अभी डंबल तो कैसे उठाते हैं और इधर चलते हैं इधर ना ज्यादा से ज्यादा चक्री ज्यादा है म्यूजिक टेस्ट के लिए अच्छा है ना ना क्या ओ ये वाला मेरे को सही नहीं लगा कमर में प्रेशर पड़ रहा है थोड़ा तो आपको मालूम ही होगा रनिंग वाला इससे सही है हाँ बहुत भारी है ये नहीं होगा 2.5 टोटल 10 के जी है भाई 5 के जी दोनों भाई और नहीं करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे थोड़ा ट्राई करेगा चल ये भाई बहुत भारी है लेकिन देखो 2.5 5 के जी ये भी 5 के जी टोटल 10 के जी जो स्प्रिंटर लोग होते हैं 100-200 मीटर ये तो इससे भी ज्यादा उठाएंगे ना अभी मेन चीज भूल गए ये वाला जो होता है सिटअप के लिए होता है फिलहाल मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं पकड़ना थोड़ा तो गाइस ये वाला एक्सरसाइज करने से ना आपका जो सिक्स पैक है ना निकल के बाहर के आएगा देखो
और ऐसे में भी होता है, मेरे को लग रहा था आज शाम को हम लोग का रेस्ट है, तो रेस्ट नहीं आज का वर्कआउट हो गया। पार्क एरिया का देखो टॉयलेट कैसा है, और इधर ना हॉकी वर्ल्ड कप का बैनर लगा हुआ है ये टॉयलेट। तो भाई मैं वो वाला सीटअप लगा दिया ना, मेरा हैमस्ट्रिंग में क्या थोड़ा दर्द आ गया यार, बिना वार्म अप से करने से ना तो मसल्स क्रैम्प हो सकता है बिना वार्म अप में करने से। तो गाइस सुबह तो हम लोग का प्रैक्टिस हो गया था, आके रूम में थे और भाई बहुत बोरिंग लग रहा था, और इधर आके ना थोड़ा अच्छा लगा। ये वाला जो ट्रैक देख रहे हो ना 450 मीटर का है, फुल राउंड 450 मीटर का है, और देख सकते हो ये है शंख पत्थर से तैयारी हुआ है, ठीक है। तो भाई इस साइड ना हम लोग का हनुमान जी का मंदिर भी है साइड में, और सामने में देख सकते हो ये वाला मेन रोड है जो कि जाता है डायरेक्ट जयदेव विहार, और इस साइड नंदनकानन जू पार्क, महात्मा गांधी पार्क। सुबह पाँच बजे से रात 9 बजे तक तो खुला रहता है, और ये है राम मंदिर हनुमान मंदिर, ठीक है। तो भाई आप सोच रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा लेट में आ रहा है, कभी 2-3 दिन छोड़ के आ रहा है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग करके आने से ना भाई थकान लगता है, सो जाता हूँ, फिर खाना बनाना पड़ता है, तो इसीलिए टाइम नहीं होता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आज शनिवार है तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, रविवार काल भी थोड़ा बना, और कोशिश करूँगा रोज़ वीडियो बनाने के लिए। प्लीज आप मेरा वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, आप ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, और शेयर भी थोड़ा करो ज़्यादा से ज़्यादा। 6 या 6:30 होगा, हम लोग इधर बैठ के बात कर रहे थे थोड़ा आइसक्रीम खा के। तो ये वीडियो को गाइस मैं यहीं से एंड करता हूँ, और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।